क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। हेलो दोस्तों, आप भी अगर युवराज सिंह के फिर से फॉर्म में आने से खुश हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक कीजिए। दोस्तों, आईपीएल 2019 का सातवां मुकाबला समाप्त हो चुका है। आपको बता दूं, पहले बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई इंडियंस की टीम अपने 20 ओवर में 187 रन लगाए थे। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी बेंगलुरु की टीम और बेंगलुरु की टीम मात्र 181 रन ही बना पाई अपने 20 ओवर में। हालांकि अंपायर की एक छोटी सी गलती की वजह से मुंबई इंडियंस ये मैच जीत गई 6 रनों से और बेंगलुरु को इस मैच में हार का सामना करना पड़ा था। आपको बता दूं, मैच के 14वें ओवर में युवराज सिंह ने तूफानी अंदाज दिखाते हुए युजवेंद्र चहल के 3 गेंदों पर हैट्रिक 3 छक्के लगा दिए थे। इसी के बाद ट्विटर पर युवराज सिंह की काफी सराहना हो रही है, क्योंकि पिछले साल की आईपीएल में युवराज सिंह का फॉर्म काफी खराब लग रहा था, लेकिन आईपीएल के दूसरे ही मैच में युवराज सिंह ने 23 रन लगाकर मात्र 12 बॉल में तूफानी पारी खेली थी। दोस्तों, आपको बता दूं, इससे पहले 53 रनों की युवराज सिंह ने पहले मैच में धाकड़ पारी खेली थी। उसके बाद युवराज सिंह ने इस मैच में युजवेंद्र चहल के 3 गेंदों में 3 तूफानी छक्के लगाकर फिर से फॉर्म में लौट आने का संकेत दिया है। दोस्तों, आपको बता दूं, इसी के साथ अब तीसरे मैच में यह देखना होगा कि युवराज सिंह अपना तूफानी बल्लेबाजी का जलवा बरकरार रखते हैं या नहीं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या युवराज सिंह को विश्व कप 2019 में मौका देना चाहिए या नहीं, इसका जवाब मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और अब इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक दिल से लाइक करें और ऐसी क्रिकेट की खबरों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।